ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के पश्चिम बंगाल राज्य के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पार्टी के मत के बारे में बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए जानते हैं। फ्रंट की तरफ से हमने दो नए सदस्य को अपॉइंट किया है जिनका नाम है मोहम्मद असगर अली और सबनम बीवी। ये मटिया ब्रूज 44 नंबर वार्ड से हैं ये, और उसी असेंबली में वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट को तेजी से आगे बढ़ाएगा और बंगाल में जितनी परेशानी चल रही है जनता की, हम लोग उस परेशानी के भागीदार बनेंगे और इसको हल करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बंगाल में नए नए फॉर्मूले इस्तेमाल कर रही हैं, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अब ये वोट का भी अधिकार छीनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय बंगाल में ये कहने जा रहा है कि अब आपको जो परमिशन लेना होगा, कभी कोई जुलूस निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो 2 महीना पहले आपको एप्लीकेशन देना होगा। ये पूरी तरह संविधान की हत्या है और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मुसलमानों का हालात बद से बदतर हो गया है बंगाल में, जिसकी वजह से मुसलमान आज खौफ में जी रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर आए थे नोडा साहब, उसने कहा कि हम बंगाल को जीत के दिखाएंगे। मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूँ, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने बंगाल में किया क्या है? जब वोट का समय आया तो आप जय श्री राम का नारा लगाया, मुसलमान हिंदू को बांटने की कोशिश की। विकास की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, रोड की बात कीजिए, गरीबों की समस्या हल हो उसकी बात कीजिए, ना कि आप इस तरह की बात करेंगे और हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करेंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट। एक क्वेश्चन है मेरा, आप रूलिंग पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं? टीएमसीसी के खिलाफ में खड़ा होंगे ना आप यहाँ राज्य चुनाव में, बीजेपी को आप बता रहे हैं? बीजेपी जब भी किसी भी स्टेट में है, केवल झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं। वो जितना भी अनाउंसमेंट किया आज तक, केवल झूठ ही किया। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना हर साल, कहाँ है भाई नौकरी 2 साल में? आपने तो बिल्कुल खत्म कर दिया, नोटबंदी किया आपने, उसका कोई लाभ नहीं मिला। कहाँ लाभ मिला? माँ बहन बेचारी सब रोड पे घूम रही है, जो भी पैसा जमा करके रखी थी वो सारा पैसा आपने निकलवा लिया और खत्म कर दिया। कहाँ गया आपका काला धन? हर जगह आपको 15 लाख रुपया हर नागरिक के खाते में आना था, वो काला धन कहाँ है आपका? कहाँ गया वो काला धन? बेमतलब का लाइन में लगाया, बुजुर्गों को लगाया, कितने लोगों की मौत हो गई। आप कानून लाते हैं और जनता बहुत परेशान है आपके कानून से, क्योंकि हमारे अंबेडकर साहब का जो कानून बना था इस देश के लिए, इतना शानदार कानून बना था, इतना बढ़िया कानून बना था, इसलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हमारे सोने की चिड़िया को आपने बिल्कुल भस्म कर दिया। लोग दहशत में रहते हैं, डरते हैं लोग कि पता नहीं कल क्या कौन सा कानून आने वाला है। कभी एनआरसी लेके आते हैं, बोलते हैं कि मुसलमान को कुछ नहीं होगा, हिंदू आराम से रह सकता है, मुसलमान को जो है यहां से जाना होगा, उसको नागरिकता नहीं देंगे। ये वोट बैंक की जो राजनीति कर रहे हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये वोट की राजनीति है, केवल वोट की राजनीति है। इसे बंद कीजिए, वरना हम रोकेंगे, रोकने में हम लोग सक्षम हैं।
आज माइनॉरिटीज के लोग जो भी है वो सक्षम है आपको रोकने में। किसान आंदोलन के ऊपर बोली, किसान आंदोलन का ये प्रोग्राम किसान के साथ नहीं है, वो अपने देश के साथ नहीं है। क्या बात है। किसान वो अन्नदाता है जिसकी वजह से आज हम दो वक्त का रोटी खाते हैं। ये जो एसी में बैठे हुए हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, 5 स्टार 7 स्टार में घूम रहे हैं, वहां तक खाना कौन पहुंचाता है? यही किसान पहुंचाता है। और किसान के हक को मारते हो आप, किसान की जमीन छीन रहे हो आप। ये बिल्कुल 3 कानून जो अब काला कानून लाया है, इसे आपको रोकना होगा, इस कानून को वापस लेना होगा। हमारा मानवीय फ्रंट ये 2 से 3 दिन के अंदर में रोड पे आएंगे हम लोग और इस कानून का विरोध करेंगे। जो मानवीय डिपार्टमेंट मानवीय फ्रंट है वो पूरा जोर हम उनका विरोध करते हैं और ऐसे कानून को सरकार को वापस लेना होगा, केंद्र सरकार को। जो लोग विरोध कर रहे किसान को खालिस्तानी हो आतंकवादी हो कहा जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपको? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, जब देश आज़ाद हुई थी उस समय में ये लोग अंग्रेज की दलाली करते थे। आज जब ये हिंदू हिंदू करके जब सत्ता में आ गए तो हमारे देशवासी को खालिस्तानी कह रहे हैं। पंजाब के लोग जब अनाज इतना उपजते हैं और जब पंजाब से गेहूं का ट्रक और मालगाड़ी पे जब लोड होकर के पूरे देश में जाता है तो हर गरीब अमीर खाता है, और वैसे परिस्थिति में वैसे किसान को आप खालिस्तानी कहते हैं। आप अपने अंदर झांकिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी भक्त हैं उन भक्त को सोचना है। आज जो आप आटा जो आप ले रहे हैं 42-44 रुपये किलो, वो आटा हो जाएगा 100 रुपये किलो। ये अडानी और अंबानी के जो मिल और फैक्ट्री से निकलेगा तो वो 100 रुपये किलो हो जाएगा। आलू जो है वो दर्जन के हिसाब से मिलने जा रहा है आपको, 100 रुपये में आपको 1 दर्जन आलू मिलेगा। तो आप ये करने जा रहे हैं इस देश में, हमारा गरीब कहाँ जाएगा? हमारा गरीब जो 100 रुपये रोज कमाता है 3,000 का महीना, आपने कभी उसके दिल से पूछा कि दिन में खाता है और रात में सो जाता है भूखा, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप स्कूल जाइए, उसने ये कह दिया, हमारी केंद्र सरकार के लोगों ने कहा कि साहब बच्चे गरीब के पढ़े ना पढ़े उसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक कि वो फीस नहीं दे देता। अमीर आदमी का बच्चा है कि उसके पास टीचर भी है, प्रोफेसर भी है, पढ़ाने वाले हैं, ट्यूशन करने वाले हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन गरीब का बच्चा तो जाहिल होता चला जा रहा है इस देश के अंदर, उस शिक्षा कहां प्राप्त करेगा? उनके पास तो पैसा ही नहीं है। हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, ये दोनों मुखिया जो है इस देश के, मैं उनसे ये मांग करता हूं कि इस स्कूल को बिल्कुल फ्री किया जाए, बिना फीस के बच्चों को पढ़ाया जाए। ऐसी की पार्टी जो आए थे यहाँ पे मुस्लिम के 90 सीट पे 80 से 90 सीट पे खड़ा करेंगे, इस पे आपकी क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट की तरफ से का? ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट उनके तरफ ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी पार्टी तो सारी जात की पार्टी है ना, इसमें हम मुसलमान हैं, इसमें हम सिख हैं, ईसाई हैं, पंजाबी हैं, हम लोग सब लोग हैं इसमें, तो हम एक मेजोरिटी हैं भारत के। लेकिन आप अगर खाली मुसलमान की तरफ जाएंगे और खाली मुसलमान का वोट काटेंगे तो उस सूरत में तो बीजेपी जीत जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते ओवैसी साहब, बंगाल हमारा बहुत शांति प्रिय प्रदेश रहा है, हम सारे जात मिलके इस बंगाल में रहे, कभी कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं होता हमारे यहाँ, हम लोग मिलजुल के रहते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी रोजी रोटी कमाता है यहाँ। और ओवैसी साहब, मुसलमान का वोट मत काटिए आप, आपको अगर लड़ना है तो जाइए ओवैसी साहब, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां आप हिंदुओं को टिकट दीजिए, तब मैं समझूंगा आपको कि ओवैसी साहब आप इस देश के लिए और बंगाल के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमान मुसलमान करके आप बर्बाद मत कीजिए बंगाल को, हम सब एक है और एक ही रहेंगे, ये आपसे मेरा वादा है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और अल्पसंख्यक का जो काम है हम लोग सब एकजुट होकर काम करेंगे और अपने बंगाल के लिए हम पूरी तरह से समर्पित हैं। अभी कौन क्या करने जा रहा है इसका तो मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं है, लेकिन जो भी लोग हों, हैं तो इस देश के लोग, सबको अधिकार है संविधान से कि वो कहीं भी कोई खड़ा कर सकता है, लड़ सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा ना करें जिसकी वजह से
बंगाल की तबाही और बर्बादी हो जाए। आज देखते हैं ना बंगाल में क्या हालात हैं। कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आज बंगाल के लोग बहुत परेशान हैं। आज बंगाल में रोजी रोटी भी नहीं मिल रही है। हम किसी और का नाम नहीं लेते, किसी को कुछ बोलते नहीं। ये जनता को समझना है, ये जनता जानती है। और आजकल की जनता बहुत स्मार्ट हो गया है जनता, और ये जनता वो यहाँ के सीएम है, उनको एनजीओ में करोड़ों रुपया दिया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है। वहाँ के वोट जो है टीएमसी के तरफ लाने के लिए, उस पर आपके पार्टी का क्या मत है? अब किसने करोड़ रुपया दिया, 200 करोड़ दिया सीएम की मत में लाने के लिए? एनजीओ के लोग हैं ये। इसकी सर इसकी जो लेखा जोखा इसका जो होता है वो सरकार के पास रहता है। एनजीओ इतना आसान नहीं है साहब कि आप जो मन माया कर लीजिए। तो अगर आप दे रहे हो, किसी भी सरकार को दे रहे हो, चंदा दे रहे हो या किसी को भी दे रहे हो, सरकार दे रही है उनके तो सरकार दे रही है एनजीओ को कि उन जितने माइनॉरिटी वोट है वो बोल देंगे कि टीएमसी को वोट देने के लिए, तो वोट सारे चले आएंगे उसके ऊपर। उसके ऐसा कैसे हो सकता है साहब? कोई भी आदमी किसी को माइनॉरिटीज को कह देगा कि तुम वोट दे दो, तो क्या वो वोट दे देगा? वो तो धार्मिक गुरु है बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पे लाखों का लाखों वोट उधर चले जाएगा। धार्मिक गुरु हमारे दिल्ली के बुखारी साहब भी थे, तो क्या हुआ उनका? आज कहाँ है वो? मुस्लिम लीग से सही। धार्मिक गुरु अब नहीं चलेगा, चाहे किसी भी धर्म के हों, धार्मिक गुरु नहीं। क्योंकि आज का जो नौजवान है ना, वो नेट और मोबाइल चलाता है, इतना नॉलेज उसको हो गया अमेरिका से लेकर के भारत तक कि वो डिसीजन ले सकता है। कि कुछ दलाल हैं हमारे यहाँ हमारे देश में जो डिवाइड करते हैं, लोगों को बांटते हैं। मैं आग्रह करता हूँ उन नौजवानों से, उन लड़कियों से, उन महिलाओं से कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। कोई धर्म गुरु किसी का नहीं, वो सिर्फ अपना गुरु है। किसी के कहने पर आप वोट मत दीजिए। अब आपको देखना है कि आपको नौकरी दिया कि नहीं, आप देखिए कि कल आपके घर में खाना बना कि नहीं, आप देखिए कि आपके भाइयों को नौकरी मिला कि नहीं, आप देखिए कि हमारे समाज में जो ये नफरत का जहर बोया जा रहा है, क्या ये उचित है, सही है? इन सारी चीजों की को आप एनालिसिस कीजिए, और करने के बाद फिर आप खुद डिसीजन लीजिए और उनको वोट दीजिए जो आपका भला चाहता। और हम चाहते हैं कि ये जो है जो धोखाधड़ी है ये सब है, सब बंद रहे। हम एक पार्टी तैयार करेंगे, देखते हैं कितना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक ठीक। इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट ज्वाइन किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन में और अच्छा तरीके से काम करे, बंगाल में और भी मेंबर्स बढ़े और लोगों का भला हो। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट में जुट के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। संविधान कैसे लग रहा है? अच्छा है। सर ने जैसा बताया जिस तरीके से कि आने वाला दिन में किस तरीके से काम करना है, जैसे उन लोगों ने सर ने रोजगारी के लिए कहा और गरीब लड़कियों के शादी के बारे में जिस तरीके से कहा कि ऐसा इस तरीके से कुछ स्कीम लाया जाए बेरोजगारी के ऊपर। हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू है बंगाल में, जो हेल्थ के ऊपर भी डेवलपमेंट इस तरीके से, एजुकेशन भी है, ये सब चीज़ों को लेकर आने वाले दिन में और अच्छे तरीके से काम किया जाए तो डेफिनेटली हम लोग बंगाल में आने वाले दिन में अच्छा करेंगे और बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ जुड़ेंगे। कितने नंबर वार्ड के हैं? हम 65 के। ठीक। और इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट में ज्वाइन होकर कैसा महसूस हो रहा है? भलो लक्ष्य हम जी हिंदी में मन से मिल बहुत अच्छा है। हम लोग जो चाहते हैं वो करेंगे वो। और इस पार्टी में घर नजर है पूरा, एक जोट है पूरा। हम लोग जैसे समझाए हम लोग को, जैसे हम लोग को मैंने खुशी मिले इनसे आगे मिल के। फर्स्ट टाइम जब आए थे उस टाइम हमको अच्छा लगा उनको, उनका व्यवहार बिहेव देख के, और सोचते ये घर है हम लोग के, ये पूरा घर घर का तरह चलने पड़ेगा हम लोग। हम लोग इनका ऊपर जरूर साथ देंगे, ग्रुप करेंगे हम लोग, और भी जितना हम लोग दोस्त लोग हैं सबको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक ठीक। खुशी बहुत हुई हम लोग को, जी हम लोग आगे यहाँ पे हम लोग को इज्जत मिला, सबसे बड़ा रिस्पेक्ट मिला। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर सैयद मसूद। ठीक। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट, इस माइनॉरिटी फ्रंट में जुड़ के हमको ये एहसास हो रहा है कि आज हम लोग मुस्लिम का एक नया पार्टी जो फॉर्म हो रहा है ये कितना स्ट्रांग है, और आने वाले दिन में ये उभर के इस तरह आएगा कि लोग इसे पहचानेंगे, लोग इसका नाम दूर दूर तक जाएगा। क्योंकि ये पार्टी सिर्फ एक की नहीं है, ये पार्टी सिख की है, ईसाई की है, दलित की है, क्रिश्चियंस की है, सभी की ये पार्टी है। और ये पार्टी में हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे और आने वाले दिन में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको दिखाएंगे।